अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग ब्यूटीफुल पीपल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है इलेक्शन यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें योगी गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट के बारे में मुस्लिम लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। एक मुसलमान हूँ, हमारे घर पे बुलडोजर नहीं चला, ये मुसलमान है, इनके घर चला, ये सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम समाज का अंदर मुस्लिम समाज के मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, ये शिवपाल यादव जी को तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर बुलडोजर चला। मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा 85% मुस्लिम समाज के आवास योजना के अंदर मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। ऐसा क्या दे दिया योगी ने तुम्हें? साफ सुथरा, सफाई, सड़कें, पानी, व्यवस्था सारी बढ़िया हो रही है। उससे पहले ना थी सफाई? उससे पहले कुछ भी ना था। क्यों ना थी? था ही नहीं। अरे अपने अपने घर में बैठ गए भाई, हम खुद गुंडे थे, शराबत का काम कर रहे, छोड़ दिए, तोड़ दी, अरे तोड़ दिए, देख लो बुलडोजर ना चल जा कहीं कहीं, अब आपको गुंडा बता रहे हो भाई। बिल्डोजर लगा जमीन की सरकार कुछ भी करे, गुंडागर्दी जो करेगा उसके तो ऊपर भी कफन पड़ेगा और उसके घर पर बिल्डोजर चलेगा, नहीं तो ऊपर से बम गिरेगा, बम गिरेगा। गुंडागर्दी तो वहाँ भर गए सारे, जितने गुंडे थे, जगह नहीं रही जेल के अंदर, गुंडे खुद आ रहे हैं कि हमें अंदर बंद करो, हम तंग आ गए, कहीं गोली ना लग जाए कुछ ना। गुंडों की सरकार नहीं है ये शरीफ आदमियों की सरकार है, ईमानदारों की सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में, मेरा नाम है सार्थक शर्मा। योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, 5 साल तो आपने देखे वो कैसे रहे कैसे नहीं रहे, लेकिन अब योगी सरकार 2.0 के ये 1 साल जो पूरा हुआ है, इस पर क्या कुछ हुआ? योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सब कुछ बता दिया, किसानों के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है क्या वो जमीनी स्तर पर काम हो भी पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है काम हुए हैं लेकिन कागजों में, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि क्या जो काम लिखित में हुए हैं वो जमीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं हुए हैं, यही बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप एक मुस्लिम हैं, योगी सरकार के 5 साल भी देखे होंगे, अब ये 2.0 जो सरकार दोबारा आई है इसका 1 साल पूरा हो गया, आपको कौन सा काम सबसे बेहतर लगा? मेरा नाम बाबर अली, हमने योगी सरकार में देखा है जो कि हमारी माँ बहनों को छेड़ा जाता था और सड़क में चलना दुभर हो जाता था, अब इस टाइम गुंडों की गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। और जब हमें दिल्ली जाना पड़ता था बाई बस, तो रास्ते में दुनिया भर के गड्ढे मिलते थे, अब जो है फ्लाई ओवर और हाईवे जो बनाया है इससे जो है हमें 3 घंटे दिल्ली पहुँचने में लगते हैं। कोई भी बीमार मरीज होता है फटाफट उसका इलाज तुरंत होता है। और आयुष्मान की योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है, जब कोई भाई भाई का साथ नहीं देता तब मोदी जी का आयुष्मान कार्ड काम आता है और 5 लाख का इलाज फ्री हो किया जाता है। और दूसरी गैस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला, क्योंकि जिनके घर में गैस नहीं था और लोग जो है औरतें जो है हमारी माँ बहनें लकड़े से ईंधन से आग जलाती थी, और अब जो है गैस की योजना का उन्हें लाभ मिला है। अच्छा, पर कह रहे कागजों में हुआ ये काम सारा, जमीनी स्तर पे कुछ मिला अभी तुम्हें? सुविधा कोई मिली कि नहीं मिली? ऐसे ही है बस बिल्कुल सुविधा मिली है। मकान की योजना सबसे बड़ी, जिनके सर पे छत नहीं थी उन्हें योगी जी ने और मोदी जी ने छत का सहारा दिया। हम देखते हैं कि लोग जो है उनकी तारीफें करते नहीं थकते, गरीब लोग। ये है कि मुसलमानी इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मकान जो बने हैं मुस्लिमों के बने हैं, और लोग दिल से दुआएं देते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत काम किया है। अच्छा, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी जी बोलते हैं करते कुछ नहीं है, बीजेपी का पूरा काम यही रहता है, 5 साल में भी यही रहा, बातें बहुत सारी करी लेकिन हो कुछ नहीं पाया, ये 1 साल भी ऐसे निकल गया और ये 4 साल भी ऐसे निकलेंगे। कौन कह रहा है इस बात की? अखिलेश यादव बोल रहे हैं, शिवपाल यादव बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, वो सारा चिट्ठा खोल गए, कह रहे बीजेपी का हम चिट्ठा खोल देंगे सारा।
अखिलेश यादव जी को जानकारी इस बात की नहीं है कि उनके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव इसी से बाहर नहीं निकल रहे, और पत्रकार बंधु ये कह रहे हैं कि भाई ये बोले। मैं तो ये मानता हूँ वो परिवारवाद है, अपने परिवार के अंदर सिमटा हुआ परिवार है, उसके अंदर अगर आप देखो पिता मुलायम, बेटा अखिलेश, चाचा शिवपाल, फिर रामपाल गोपाल यादव, सब यादव ही यादव, परिवार ही परिवार है उसके अंदर। परिवार दूसरे पे लांछन लगा रहा। आप कहते सत्ता से बाहर हुई, आजमगढ़ आपका हार गया, आप आजमगढ़ को कहते थे वहाँ 55% मुसलमान है, रामपुर स्टेट आप हार गए, वहाँ पे 50% ज़्यादा मुस्लिम है, आप कैसे हार रहे हैं? ये सवाल आपसे है। आप हर जगह जगह आपकी जमानतें नहीं बच रही, तो ये मुद्दा है। जमानतें क्यों नहीं बच रही? क्योंकि आपके सरकार के अंदर, आपके राज के अंदर गुंडा राज था, महिलाओं को सड़क पर चलना दूभर था। अच्छा। और अगर हम किसी काम के लिए कराने जाते थे तो कोई सरकारी अफसर काम करने के लिए सुनने को तैयार नहीं था। हाँ। पर अब यह है कि अगर कोई काम पड़ता है तो एकदम सबसे पहला काम होता है, उसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता था। इनके इनकी सरकार के अंदर एक परिवार की और एक समुदाय की राजनीति हुई। शिवपाल यादव कह रहे कि बुलडोजर जो चल रहा ना टोपी वालों पे चल रहा। अच्छा जी, टोपी वाले कौन है वो तो तुम्हें भी पता, टोपी उड़ाने वालों पे चल रहा बुलडोजर, टोपी उड़ने वालों पे नहीं चल रहा। मैं एक मुसलमान हूँ, हमारे घर पे बुलडोजर नहीं चला, ये मुसलमान है इनके घर चला, ये सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम समाज का अंदर मुस्लिम समाज के मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, ये शिवपाल यादव जी को तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर बुलडोजर चल रहा। मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा 85% मुस्लिम समाज के आवास योजना के अंदर मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। आप उन लोगों से जाके मिलो जिनके मकान बने, जिनको राशन मिला, 80 करोड़ जनता को लॉकडाउन के अंदर राशन मिला। क्या अखिलेश यादव जी दे सकते थे, राहुल गांधी जी दे सकते थे, जो भी नई नई अपनी सदस्यता गवा के बैठे, आप बताओ मुझे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अनस फरीदी। अनस फरीदी, राजनीति पूरी देखते हो है जी? अच्छा, सारा पता है राजनीति के बारे में? बिल्कुल। अब भैया क्या नाम? हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, आप ही बता दो। मेरा नाम बिलाल है जी। बिलाल भाई, क्या कुछ फायदा हुआ योगी सरकार में कि नहीं हुआ? 5 साल तो गए, अब ये जो दोबारा 5 साल दिए इसमें कुछ फायदा भी हुआ? अजी बहुत फायदा हुआ जी, घर बने हैं मुसलमानों के। हाँ। और जितनी भी योजनाओं का लाभ हो रहा है सबसे ज्यादा मुसलमानों को हो रहा है। हाँ। जी कह रहे कुछ ना मिल रहा, बुलडोजर भी उतना ही चल रहा, जितने बनवा रहे उतने उखाड़ रहे, एक ही एक के ऊपर ही बंदूक लेके चल रहे केवल योगी सरकार। बुलडोजर जो चल रहा है वो टोपी उड़ाने वालों पे चल रहा है, जैसे हमारे नेताजी अनस फरीदी जी ने कहा है। हाँ। टोपी उड़ने वाले पर चल रहा। अच्छा। चल रहा है ये हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई जी? कुछ हुआ भी एक साल में? नहीं, बहुत कुछ हुआ जी। क्या फायदा मिला मुसलमान को? मुसलमान को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला। हाँ। और राशन का फायदा मिला। अच्छा। मकान का फायदा मिला। हाँ। सड़कें सही हो गई सारी, पहले गड्ढे थे, नाली खड़ंजे बेकार पड़े थे, अब सड़क बढ़िया हो गए, रोड बढ़िया हो गया, अब काम हो गया, बहुत बढ़िया। चाचा कुछ बढ़िया भी हुआ नहीं भी हुआ? जी बहुत ही बढ़िया हुआ है। क्या हुआ है? तो सारे काम बढ़िया बढ़िया हुए हैं, बेहतर हो गए। हाँ सारे काम बढ़िया हुए, घटिया तो कोई काम हुआ ही नहीं है। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हमने बढ़िया करे थे इतने सारे। उसने तो कुछ करा भी नहीं है अखिलेश ने, क्या करेगा वो, और क्या करेगा राहुल? वो तो कह रहे थे हम तो मुसलमानों के साथ लेके चले। जी हाँ, कहीं नहीं लेके चला मुसलमानों के साथ, वो जो योगी ने करा किसी ने नहीं करा। ऐसा क्या दे दिया योगी ने तुम्हें? साफ सुथरा, सफाई, सड़कें, पानी, व्यवस्था सारी बढ़िया हो रही है। उससे पहले ना थी सफाई? उससे पहले कुछ भी ना था। क्यों ना थी? था ही नहीं। अच्छा, कोई सुविधा भी मिले? नहीं मिली। अरे तो सारी सुविधा है, सफाई सुविधा, और क्या चाहिए, बिजली लाइट सब चीज बढ़िया मिल रही है, और क्या लेगा आदमी? अरे लाइट तो जलती भी ना, बटन जमाने से तब पहुँचो ना, इतने में तो लाइट भाग जा। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है जी, चल रहा बढ़िया चल रहा। पहले सफाई पहले कम दी, अब सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पहले के मुकाबले अगर कोई मतलब कोई समस्या हो ना, समस्या का समाधान भी होता है, अगर कोई कंप्लेंट डाले कंप्लेंट का भी असर होता है। अच्छा। नहीं तो पहले जो है ना चोर बाजारी सबसे ज्यादा थी। हाँ। हर जगह पे चोर बाजारी सबसे ज्यादा थी, अब चोर बाजारी कम हो गई है। अच्छा, कह रहे गुंडागर्दी भी तो बढ़ गई अब। गुंडागर्दी कहाँ, गुंडे तो सारे पैक हो गए, सारे गुंडे पैक हो, केले केले ठेले करके केलो गुंडो ने, खत्म हो गए गुंडे, बिल्कुल खत्म हो गए। अरे अपने अपने घर में बैठ गए भाई, हम खुद गुंडे थे, शराबत का काम कर रहे, छोड़ दिए, कमर तोड़ दी, गोड्डे तोड़ दिए। देख लो बुलडोजर ना चल जा कहीं, कहीं अब आपको गुंडा बता रहे हो भाई। बुलडोजर लगा जमीन की सरकार। हाँ। कुछ भी करे गुंडागर्दी जो करेगा उसके तो ऊपर भी कफन पड़ेगा। हाँ। और उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, नहीं तो ऊपर से बम गिरेगा, बम गिरेगा। हाँ। सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। अच्छा, 2024 में चलो योगी जी का तो हो ही रहा है, जो हो रहा है इनका तो एक साल आपने देख लिया, क्या लग रहा है 2024 में मोदी सरकार दोबारा आवेगी भी नहीं? भी है मुसलमान केवल योगी से ही खुश है?
दोबारा आएगी आएगी जी, दोबारा आएगी सरकार। मतलब काम बढ़िया है मोदी जी, काम बोल रहा है जी, काम काम बोल रहा है। अच्छा लाइट जला, पहले कौन आ गए तुम्हें जगान लग रहा था? अरे रात तो कुंडी पीटते थे ना, भागो भागो। अच्छा अब सुकून से सो तो रहे भाई, पहले अल्लाह रहे था रोज। बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? आओ थोड़ा आगे को आओ भाई, नौजवान है। क्या नाम है भैया? सुहेल। सुहेल भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। 24 साल तो मतलब वोट का तो हो गया काम है। वोट दिया था आपकी बार? जी दिया था। किसको दिया था? मोदी को दिया था। मोदी जी को? और योगी जी को भी दिया होगा फिर? वही है, साथ ही है सब। साथ ही है सब। हाँ जी साथ। अच्छा क्या लग रहा, कुछ विकास हो भी रहा है जमीन स्तर पर? नहीं हो रहा? मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा। हर चीज बेहतरीन हो रही, सारे सारे रूल्स फॉलो कर रहे। अच्छा सब हेलमेट पहन रहे, हम भी लिया हेलमेट डर के मारे ताकि चलान ना कटे। चलान ना कटे? हाँ सब रूल से चल रहे सब। कह रहे खौफ में जी रहे मुसलमान, तो बहुत डर है उन्हें 2017 के बाद से। मेरा भाई खौफ तो जब नहीं हुआ जब बंदूक के साथ ही सामने हमारे। अच्छा अब क्या खौफ होगा, अब तो सुकून से है मेरे भाई, अब तो बंदूक भी रख दी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट चल रहा। डर नहीं लगता? किस चीज का? वो कह रहे कि मुसलमान बहुत ज्यादा खौफ में आ गया अखिलेश यादव। कह रहे कि मुसलमान तो घर से बाहर निकलते हुए भी 50 बार सोच रहा। किसका खौफ? योगी सरकार का। क्यों उड़ाना दे? क्यों किसको उड़ाएगा? मुसलमानों को ही उड़ाने लग रही केवल। आतंकवादियों को उड़ाएगा, हमें क्यों उड़ाएगा? अच्छा हम तो नेक आदमी, शरीफ आदमी, मजे से जी रहे। हमारी तरफ है सरकार, हमारे साथ दे रही। अच्छा। सबको मकान बनवा के दिए गरीबों को, सबको राशन मिल रहा, सबका साथ, सबका विकास, सड़कें बन रही, सब सेट है भाई। तो अखिलेश यादव भी तो दे रहे थे शायद, मैं ना दे रहे थे साथ आपका? वो भी दे रहे थे। अच्छा तो अब उनकी सरकार गई, मोदी की आई, वो सही काम कर रहे हैं। अब कोई और आएगा उसे देखेंगे कौन सा सही काम करेगी। और ये वही वक्त ही बताएगा किसकी सरकार कब आएगी। अच्छा किसकी सरकार कब आएगी? वो चाचा बहुत देर से देख रहे। क्या नाम है तुम्हारा? आफाक अहमद। आफाक अहमद क्या लग रहा योगी सरकार का? एक साल कुछ बेहतर लगा, काम अच्छा नहीं लगा? एक साल क्या, जब से बहुत अच्छा हो रहा। अच्छा और उससे अच्छा और क्या लोगे? और जो ये मुसलमान खौफ में है इनका क्या? कौन से खौफ में? कह रहे कि बहुत खौफ में है, मौलाना कह रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मौलाना खुद खौफ में है? क्यों? उन्होंने बिल्डिंग ना बना रखी। हाँ। किसी मुसलमान को पूछा उन्होंने आज तक आगे? हाँ। कि तरह क्या इसीलिए खौफ में है वो कि मुसलमान खिलाफ हो रहे। अच्छा अखिलेश यादव तो चलते चलते अपना काफिला रुकवा के मुसलमानों से मिल ले, तुम कह रहे किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं कहा मिल रहे होंगे, पहले तो कभी नहीं मिले। अच्छा ना मौलाना बाहर निकले, अब 14 के बाद मौलाना भी बाहर आ गए, कहाँ से आए निकल के? असली मौलाना तो बैठे अपने घर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये तो दलाल इकट्ठे हो रहे। हाँ। पता नहीं किस किस की पार्टी से कहाँ कहाँ से बोल रहे मुसलमानों को भड़काने की बातें कर रहे हैं। 2024 में अब की बार सरकार पलट देंगे और फिर उसके बाद 2027 में यूपी भी बदल लेंगे। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। इंशाल्लाह योगी सरकार आएगी यूपी में और सेंटर में आएगी मोदी सरकार। अच्छा कहीं बदल जाए अब की बार मामला? कैसे बदलेगा, किस तरह बदलेगा? अखिलेश यादव ने प्लानिंग बना ली बहुत तगड़ी अब की बार। प्लानिंग किस बात की? प्लानिंग जो जीत सुनिश्चित करेंगे। कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या सुनिश्चित करेंगे? मुसलमान साथ देगा भाई, अब तक कमाल की बात है, मुसलमानों ने साथ दिया। उनका साथ किसने दिया मुसलमानों का? मुसलमानों का किसने साथ दिया? हर जगह दलाल बैठ गए थे। इस सरकार में बताओ कौन दलाल है? सारे तो दलाली खौफ में है इसमें। अच्छा। या गुंडागर्दी खौफ में है? मतलब गुंडागर्दी हुई जा रही इस सरकार में। ये गुंडागर्दी तो वहाँ भर गए, सारे जितने गुंडे थे जगह नहीं रही जेल के अंदर, गुंडे खुद आ रहे हैं कि हमें अंदर बंद करो, हम तंग आ गए, कहीं गोली ना लग जाए कुछ ना। गुंडों की सरकार नहीं है ये। अच्छा। ये शरीफ आदमियों की सरकार है, ईमानदारों की सरकार है। अच्छा मुसलमान को ऐसी कौन सी सबसे चीज बेहतर लगी इस एक साल में? सबसे बढ़िया बात यह है कि आदमी कहीं चला जाए, रात को चला जाए, दिन को चला जाए, भाई बेटा कहीं चले जाए। हाँ। कोई गुंडा करती सकत, पहले क्या था किसी लड़की को उठा ली, किसी को गोली मार दी, किसी घर में डकैती बढ़ गई। बताओ कौन सी चोरियां हो रही है आज के टाइम में? अच्छा मतलब सुरक्षा सबसे बेहतर लगी? बेहतरीन, बढ़िया। क्या सबसे बढ़िया काम लगा? सबसे बढ़िया काम यह है गुंडागर्दी का 0.0 हो चुका, महिलाएं सुरक्षित है। वरना सन 2017 से पहले महिलाओं को सड़क पर चलना दूभर था। अगर दुकानदार से बात करें तो रोजगार हमारा खत्म हो चुका, दुकानदार ये कहते थे, पर अब महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश हमारा खुशहाल है। अच्छा प्रदेश हमारा खुशहाल है। हाँ भैया बताओ, तुम भी बताओ। एक चीज रह गई बस के काम कब को मिलेगा, बस इस चीज के टेंशन है बस। रोजगार का दिल में दर्द है अभी, ये अभी भी है। अच्छा थोड़ा सा काम वाम सेट हो जाए ना तो वो ज्यादा बढ़िया है, और ज्यादा बढ़िया हो जाए मेरे तो गाइस यहीं पर वीडियो एंड होता है। और आपने देखा कि हम मुझे ना बड़ी हैरानगी हुई है इस बात को सुनकर कि
जो हमारे मतलब कि मैं नॉर्मली सुनती हूँ आगे पीछे से, तो वहां से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि योगी एंड जो मोदी हैं वो बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं लोगों पर, स्पेशली मुस्लिम्स के ऊपर, और उसमें अक्सर गुजरात की इंसिडेंट के ऊपर भी हाईलाइट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं इस बात पे यही कहूंगी कि देखो लोगों के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना, तब हमें पता चलता है, और कहते हैं जब तक आप कानों से सुनो नहीं ना मुंह से किसी के, तब तक आप बिलीव मत करो। और आज इस बात को देखकर मुझे यही रियलाइज हो रहा है कि यार देखो लोगों की बातों को ना हमें यकीन नहीं करना चाहिए ऐसे ही। लेकिन देखें अब ये इंडियन मुस्लिम्स हैं और कितने खुश हैं और बता रहे हैं कि योगी जी ने बुलडोजर वाला सीन किया, उसके बाद जो रोड्स बनवाए हैं, और सबसे बड़ी बात कि डाकू गुंडे जो हैं उन लोगों को भगा दिया है। पहले तो इतना था कि सुकून की नींद भी नहीं आती थी, जाहिर सी बात है हर वक्त डर लगा रहता था कि चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, लूटमार रोड पे जाएंगे, लूटमार ना हो। तो उस लिहाज से योगी जी ने उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा सुकून दे दिया है, तो ये मैं इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करूंगी। और दूसरा ये है कि कह रहे हैं कि गरीबों को जो मुस्लिम्स हैं उनको घर बनाकर दिए हैं, स्पेशली मुस्लिम्स के घर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि मुस्लिम्स को सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली तौर पर भी, और राशन भी दिया जाता है, और साथ में उनको खाने पीने के साथ साथ उनको छत भी दी जा रही है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात मैंने जानी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत सारा प्यार दे रही है मुस्लिम्स को भी और सनातनियों को भी, मतलब सब बराबर हैं, कोई नहीं है कि किसी को छोटा किसी को बड़ा, ऐसा नहीं। तो ये चीज से साबित होता है कि दे आर वेरी हैप्पी, और ये जो न्यूज में और मीडियाज में दिखाया जाता है ना, ये सब बकवास होता है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग मोदी जी एंड योगी जी के इतने ज्यादा फैन है कि मुझे लगता है कि जितना मोदी जी के